हे गाइज, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद एमएस। तो मुझे बहुत टाइम से एक ही टॉपिक पे बार बार कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप हमें विक्स के बारे में बताइए या फिर विक्स को देख के हम कैसे ट्रेड करें। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि 2024 के अंदर विक्स कैसे हो सकता है एंड विक्स के ऊपर कैसे मार्केट रिएक्ट कर सकता है एंड हम लोग कैसे विक्स को देख के ट्रेड कर सकते हैं। अभी देखो, मुझे मार्केट में लगभग 5 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, मुझे विक्स के बारे में 1000 चीज़ें पता है, लेकिन मैं आपको इस पॉइंट पे ये बताना चाहूँगा कि विक्स के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे 1000 बोल दो 2000 बोल दो, वो सारी चीज़ें आपको ट्रेडिंग करने के लिए काम नहीं आती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसको मैं, मान लो विक्स कैसे डिराइव हो रहा है, विक्स कैसे चलता है, ऊपर आ रहा है नीचे आ रहा है, मार्केट इसको देखकर कैसे चल रहा है, वो सारी चीज़ों को इग्नोर मारो। हमें सिर्फ 2 या 3 चीज़ें ऐसी देखनी है जो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें हेल्प करेगी, ऑप्शन बाइंग या फिर ऑप्शन सेलिंग। देखो दोनों के लिए ये हेल्पफुल है, तो आप में 2-3 चीज़ें हैं जिसको ध्यान में ले दो, बाकी सारी चीज़ें इग्नोर करो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप जान लोगे इसके बारे में उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ही होते जाएगा, इसमें आसान कुछ नहीं होने वाला है। तो अभी जो आपको मैं बताऊंगा, मेरे हिसाब से इट इज़ मोर देन इनफ एंड मैं इन्हीं चीज़ को देख के ही ट्रेड करता हूँ, ठीक है, इनके अलावा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, आपने पहले भी कहीं पर वीडियो देखा होगा, किसी का कोर्स लिया होगा, सब लोग बात करते हैं कि विक्स या तो फिर लो होती है या फिर विक्स हाई होती है। एक सेकंड, स्क्रीन टूट रहा है, ठीक है। तो या तो विक्स लो होती है या फिर विक्स हाई होती है, यानी कुछ लोग बोल देते हैं कि विक्स मीडियम है। तो अब यहाँ पे जो बिगिनर होते हैं उनको ये नहीं मालूम पड़ता कि सर हम कौन सा एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जिसको हम लो मान सकते हैं या फिर कौन सा न्यूमेरिकल वैल्यू है जिसको हम हाई मान सकते हैं या फिर मीडियम मान सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कभी कभार विक्स 10 भी होती है, कभी 12 भी होती है, 13 भी होती है, 15 भी होती है, ऐसे करके चलती रहती है, ठीक है। तो इनमें से भी कौन सा वैल्यू लो है, क्या हम 10 को लो मान लें, 12 को लो मान लें, फिर 13 को हाई मान लें, 15 को हाई मान लें। तो इस चीज़ जो अब यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा है इसको मैं क्लियर कर दूंगा, एग्जैक्टली आपको न्यूमेरिकल भी बताता हूँ जिनके ऊपर मैं काम करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, विक्स, पहली बात आप याद रखो कि जो ये विक्स नाम की चीज़ है ये दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। दोनों कौन? ऑप्शन बायर के लिए एंड ऑप्शन सेलर के लिए। चाहे आप कुछ भी करो, दोनों को ये देखना ज़रूरी है। कैसे? अब आपको मैं बताता हूँ। अब मेरे लिए गोल्डन नंबर बोल सकते हो कि विक्स का वो नंबर है, तो वो क्या है? 13 नंबर। इसको मैं गोल्डन नंबर मानता हूँ विक्स के लिए। क्यों? अगर मान लो विक्स या तो 13 है या फिर 13 से कम है, हो सकता है 12 है, हो सकता है 11 है, हो सकता है 10 है, ठीक, इसके नीचे आपको कभी मिलेगा नहीं, लेकिन मान लो जो भी जा रहा है, जो 13 के नीचे की साइड में आते हैं, यहाँ पे मैं हमेशा ऑप्शन बाइंग प्रीफर करता हूँ। इसका रीज़न भी बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं हमेशा ऑप्शन बाइंग एंड इसके ऊपर जो भी जा रहा है, जैसे कि विक्स हो सकता है 14 है, हो सकता है 15 है, हो सकता है 16, जो भी आपको ऊपर की साइड वैल्यू मिलेंगे, यहाँ पे मैं हमेशा ऑप्शन सेलिंग प्रीफर करता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ इनका रीज़न, क्योंकि कुछ भी नंबर देखने से आपको ट्रेड करना नहीं आ जाएगा, जो नंबर बता रहे हैं उनके पीछे का रीज़न होना भी ज़रूरी है। अब देखो, जितना भी ये जो विक्स है वो कम होती जाएगी, उतना आपका जो ऑप्शन प्रीमियम है उसका भाव कम होगा। अब ऑप्शन प्रीमियम क्या है, मान के चलो निफ्टी चल रही है 20,000 पे, यहाँ पे स्क्रीन क्या हो रहा है, हाँ, तो मान के चलो निफ्टी जो है वो चल रही है 20,000 पे, ठीक है। अब इसका जो हम अगर 20,000 का कॉल ऑप्शन जो लेते हैं, यहाँ पे अगर मान लो इसका भाव चल रहा है ₹100, अगर मान लो विक्स चल रही है 15 या फिर 16, यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ विक्स है 15, तो ये जो मान लो ये आइडियल रेट है, एक ऑप्शन का आइडियल रेट है ₹100, अगर विक्स 15 पे चल रही है तो आपको ये वाला मिलेगा 120 में, ठीक है। अगर मान लो विक्स आपको मिल रही है 12 पे, तो इसका जो ऑप्शन जो भाव है वो आपको नियर टू 100 मिलेगा, या फिर आप बोल सकते हो ₹105 के आसपास मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो प्राइस डिफरेंस आ रहा है ये वाला लगभग ₹15 का, ये चेंज हुआ है विक्स की वजह से। तो जितना विक्स कम होगा उतना कम भाव मिलेगा आपका ऑप्शन का, जितना विक्स ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा भाव मिलेगा आपको ऑप्शन का। अब यहाँ पे 2 चीज़ें होती है, जब भी विक्स हाई है आप प्रीफर करो कि ऑप्शन सेलिंग करो, क्योंकि हम क्या करते हैं, अगर मान लो हमने ऑप्शन सेल किया है, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देता हूँ, अगर मान लो हमने ऑप्शन सेल किया, मतलब हम क्या चाहते हैं, ये जो है 120 से सीधा 0 हो जाए, ठीक है। अगर मान लो हम यहाँ पे भी ऑप्शन सेलिंग करते हैं, हम क्या चाहते हैं 105 से 0 हो जाए, तो अब यहाँ पे किसको प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, इसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, आपको ₹120 मिलेगा एंड यहाँ पे 105 मिलेगा। इसलिए बोलते हैं कि जब विक्स हाई होती है वहाँ पे ऑप्शन सेलिंग अच्छी रहती है, क्योंकि आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। लेकिन ऑप्शन बाइंग में तो हम उल्टा खेलते हैं, यानी कि हम क्या करते हैं, अगर मान लो 120 से ऊपर की साइड जाएगा 130
150 तब हमारा प्रॉफिट होगा। तो 150 पहुंचने के लिए ये भी पहुंच सकता है एंड ये भी पहुंच सकता है। तो ऑप्शन बाइंग के लिए क्या करेंगे, तभी मैं आपको बोलूंगा ऑप्शन बाइंग तभी करो जब विक्स कम हो, इसका भी रीजन है। वो रीजन क्या है, चलो वो भी समझ लेते हैं। अब मान लो अगर विक्स है, मैं यहाँ पे कितना एग्जांपल दिया 12 का, ठीक है, अगर मान लो विक्स 12 है तब यहाँ पे होगा क्या, आपको मिला कितना ऑप्शन 105 में, तो यहाँ पे लिखो 105। अब यहाँ पे होगा क्या, विक्स 12 चल रही है, इसको याद रखो दिमाग में रखना। अब अगर मान लो थोड़ा बहुत निफ्टी ऊपर जाती है तो आपका ये जो ऑप्शन है 105 से जाएगा मान लो 108 रुपया। अब मान लो विक्स जितना निफ्टी ऊपर गई थी वापस उतना ही निफ्टी नीचे आती है तो आपका जो ऑप्शन है 108 से वो भी वापस 104 रुपये तक ही आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ठेठाडी के भी हो रहा है, ये याद रखना। जितना निफ्टी ऊपर गया उतने में आपका 105 से 108 गया, उतना का उतना वापस जब निफ्टी नीचे आती है तो ये 108 से 105 नहीं बल्कि 104 पे आ जाता है, क्योंकि एक रुपया गया ठेठाडी का। लेकिन ये केस जब विक्स ज़्यादा होती है तभी ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे मैंने कितना एग्जांपल लिया था 120 रुपये का। अब मान के चलो ऑप्शन आपका 120 का है, विक्स चल रही है 15 की जो मैंने ऊपर एग्जांपल लिया। अब मान लो निफ्टी कुछ पॉइंट ऊपर गई तो आपका गया 120 से 125, ठीक है। अब सेम अमाउंट अगर मान लो निफ्टी फिर से नीचे आती है तो अब इस बार ये वापस 120 नहीं 119 भी नहीं, शायद ये 115 पे आ जाए। अब ये जो डिफरेंस हुआ है यहाँ से यहाँ नीचे आने का 5 रुपया, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ऑलमोस्ट आई थिंक 1 रुपया नीचे आया है। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है वापस निफ्टी उतना नीचे आने के बाद, ये जो है वो ज़्यादा हो जाता है जब विक्स हाई हो। इसलिए बोलते हैं ऑप्शन बाइंग कभी मत करना अगर विक्स हाई है, ऑप्शन बाइंग तभी करना जब विक्स लो है, जो कि यहाँ पे हो रहा है। यानी कि आपका यहाँ पे जितना थीटा डीके होता है वो कम होता है, प्लस वहाँ से प्रीमियम के भाव भी बहुत कम टूटते हैं, ज़्यादा नहीं टूटते हैं। इसलिए विक्स कम है तो ऑप्शन बाइंग प्रीफर करो, विक्स ज़्यादा है तो ऑप्शन सेलिंग करो। अब कम ज़्यादा का कितना न्यूमेरिकल है मैंने आपको बता दिया, मेरे लिए 13 नंबर गोल्डन नंबर है। 13 या फिर इससे नीचे है तो ऑप्शन बाइंग करना है, 14 या फिर इससे ज़्यादा है तो हम ऑप्शन सेलिंग करेंगे। इतना सिंपल है, इसके अलावा विक्स के बारे में कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है। विक्स के बारे में बहुत कुछ मिलेगा आपको, इसका कैसे विक्स डिराइव भी होती है, कैसे मूवमेंट होता है, क्या होता है, मार्केट के साथ में चलता है अपोजिट चलता है, इन सबको छोड़ दो। इतना याद रखो 13 से कम है ऑप्शन बाइंग करेंगे, 13 से ज़्यादा है ऑप्शन सेलिंग करेंगे। इतना सिंपल है, इसके अलावा कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको मैंने आसान शब्दों में समझा दिया कि विक्स क्या होती है, इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। एंड अगर आपने अभी तक हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाके जल्दी से ज्वाइन कर लो। इसका लिंक मैं जो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ उस पर ही क्लिक करके ज्वाइन होना। आप जाके सीधा टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो आपको नहीं मिलेगा, या फिर मिलेगा तो बहुत सारे फेक अकाउंट है, इसलिए जो मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में उससे ही जाके ज्वाइन हो जाओ। एंड हाँ, अगर आपने कोई भी अभी तक अकाउंट नहीं बनाया ब्रोकरिंग के साथ में तो आप जेरोदा धन या फिर पेटीएम मनी, ये तीन मैं रिकमेंड करता हूँ, इनमें से किसी के साथ भी ओपन कर सकते हो। इन तीनों का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप अकाउंट ज़रूर ओपन कर सकते हो एंड 2024 के अंदर अपना ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो।